दोस्तों आज हमारे पास है लावा की तरफ से ब्लेज। ये लावा का नया स्मार्टफोन है जो लॉन्च हुआ है। ये एक बहुत ही बजट फ्रेंडली रेंज के अंदर आता है और इस वीडियो में मैं आपको लावा का ब्लेज के बारे में कंप्लीट एक डिटेल में रिव्यू आपके लिए करने वाला हूँ, जहाँ पे इसका कैमरा से लेके इसका गेमिंग परफॉर्मेंस से लेके इसका लुक एंड फील इन हैंड कैसे इसका फील आता है सारा चीजें इस वीडियो में हम लोग टेस्ट करेंगे। तो उसके लिए जरूर से वीडियो का अंत देखिए। तो सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं अनबॉक्सिंग। ये जो बॉक्स है इसके सिवा और एक बॉक्स हमारे पास आया है जिसके अंदर मेरा नाम लिखा हुआ है और प्राउडली इंडियन ये एक ब्रांड है ये बताया जा रहा है। इसके साथ इसे साइड में रखते हैं और हम लोग ओपन करते हैं ये ब्लेज लिखा हुआ बड़ा सा बॉक्स। ये जो बॉक्स है ये एक स्पेशल बॉक्स है जहाँ पे देखिए मेरा नाम दिया हुआ है और इसमें जो मेरा नाम है मेरे चैनल का लोगो है वो ग्लो करता है। देखिए किस तरीके से ग्लो कर रहा है। एक नीचे स्विच दिया हुआ है उसके लिए, मतलब ये एक एडिशनल डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। अब इसको साइड में रखते हैं और ये है एक्चुअल बॉक्स। बॉक्स हमारे हाथ में आ गया है, काफ़ी एक अच्छा दिखने वाला ब्लैक कलर में बॉक्स है। बॉक्स के ऊपर पूरे स्मार्टफोन के बारे में डिटेल्स दिया हुआ है, उसके साथ कौन से कलर में अवेलेबल है। मुझे ये जो लाइट कलर्स है जैसे ये लाइट ब्लू लाइट ग्रीन ये मुझे ज़्यादा पसंद है, लेकिन मेरे पास एक रेड वाला डिवाइस है तो वो कैसा लगता है वो भी डेफिनेटली हम लोग देखेंगे। तो चलिए बॉक्स को हम लोग अनबॉक्स कर लेते हैं और अनबॉक्स करने के बाद खुल जा भाई ऐसे ऐसे हाँ खुल खुल गया। सबसे पहले हमें मिलता है एक बॉक्स जिसके अंदर हमें मिलता है एक TPU केस, यानी ये आपका जो क्लियर वाला केस है वो केस हमें मिल जाता है। काफ़ी फ्लेक्सिबल है, देखने में भी अच्छा है। ओके इसे साइड में रखते हैं। इसके बाद अरे ये क्या है, 24 घंटा हमें होम सर्विस यानी घर में ही अगर कुछ प्रॉब्लम होता है बाय चांस अगर कोई स्मार्टफोन में प्रॉब्लम होता है तो वो सर्विस घर से ही होगा और उसके लिए कोई भी अलग से चार्जेस नहीं होगा। 24 घंटे का सर्विस, रात के 3 बजे अगर किसी को प्रॉब्लम हुआ तो लेकिन अच्छा चीज़ है, घर से ही आपका सर्विस हो जाएगा, बाहर लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा अब आते हैं मेन पार्ट पे, ये है स्मार्टफोन। अच्छा इसे भी थोड़ा साइड में रखते हैं। एक चार्जिंग ब्रिक मिलता है जो है एक 10 वाट का चार्जिंग वाला ये ब्रिक है जो काफ़ी छोटा है लेकिन काम का है। उसके साथ हमें एक केबल मिलता है। अब चलिए बहुत देर हो गया है, अब चलिए स्मार्टफोन को ओपन कर लेते हैं। तो स्मार्टफोन एक प्लास्टिक कवर के अंदर आता है और वाओ क्या बेहतरीन देखने में लग रहा है। ये स्मार्टफोन हाथ में लेने के बाद ये एकदम ही फील नहीं हो रहा है कि ये बजट रेंज का स्मार्टफोन है। पीछे के साइड आपको ग्लास मिलता है और मुझे तो कुछ आईफोन जैसा कुछ फील आ रहा है हाथ में। और रेड कलर मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है लेकिन ये वाला रेड कलर बहुत ही बढ़िया है। यानी अगर आप इस स्मार्टफोन को हाथ में लेके बाहर यूज करोगे तो लोग पूछेंगे यार ये कब लिया। और 30-40 हज़ार रुपया के जो स्मार्टफोन्स होता है उसी तरीके का एक वाइब लेकिन ये दे रहा है। ओके चलिए इस वाइब को भी साइड में रखते हैं और इसका एक फिजिकल ओवरव्यू देख लेते हैं कि स्मार्टफोन में क्या क्या है। पीछे की साइड में हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, उसके साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, राइट साइड में हमें मिलता है पावर ऑन ऑफ बटन और उसके ऊपर मिलता है वॉल्यूम रॉकर, नीचे के साइड में हमें मिलता है स्पीकर ग्रिल, यूएसबी टाइप सी पोर्ट, आपका प्राइमरी माइक्रोफोन, 3.5 mm जैक, लेफ्ट साइड में हमें मिलता है एक सिम कार्ड इजेक्टर। अच्छा सिम कार्ड वाला पिन तो खोला ही नहीं, चलिए उसे खोल लेते। अरे ये तो कुछ डिफरेंट जैसा दिखता है। ओके गुड, अलग दिखने में है। अब चलिए सिम ट्रे निकाल के देखते हैं कि क्या सीन है उसके अंदर। और अरे 3 स्लॉट्स है तो आप 2 सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड भी लगा पाओगे, बहुत ही बढ़िया। अरे और क्या चाहिए। तो सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, मतलब आप मत बोलिए कि उत्सव ये चीज़ बार बार बोल रहा है, लेकिन फ़ोन देखने में गजब, मतलब गजब लग रहा है, गजब क्या लुक है। एक बार देखिए क्लोजली, मतलब लुक में ही लोग फैन हो जाएंगे इसका, बहुत ही बढ़िया। आई एम श्योर जो बाकी कलर्स है लाइक जो हल्का ग्रीन जैसा एक कलर था ब्लू वाला था वो तो एकदम तोड़फोड़ बचा देगा मार्केट में, बहुत ही बढ़िया। 9,000 रुपया के नीचे आपको एक स्मार्टफोन मिल रहा है जिसके पीछे आपका
ग्लास दिया हुआ है और लुक भी बहुत ही नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल। हाथ में एकदम बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत ही बढ़िया। मतलब बजट फोन कोई नहीं कहेगा, ये सबसे बड़ा यूएसपी है इसका, सबसे बड़ा यूएसपी। उसके साथ जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले भी काफ़ी बड़ा है और ब्राइट है। नीचे के साइड में आपको थोड़ा सा चिन मिलता है, लेकिन वो उतना मतलब ख़राब नहीं लग रहा है यार। बजट रेंज का स्मार्टफोन है, ये हमें ध्यान में रखना होगा। इसे अगर हम फ्लैगशिप स्मार्टफोन के साथ कंपेयर करने लग जाएंगे, जो कुछ कुछ यूट्यूबर्स ने किया है, मतलब उन्होंने कहा कि बहुत स्लो है, लैगी है। अब तुम भाई आईफोन 13 प्रो मैक्स यूज़ करने के बाद अगर तुम एक बजट स्मार्टफोन यूज़ करके उसको उसके साथ कंपेयर कर दोगे तो भाई तुमको तो स्लो लगेगा ही। लेकिन ये हमें याद रखना होगा कि भाई ये एक बजट रेंज का स्मार्टफोन है, 9000 रुपया भी प्राइस नहीं है इसका, काफ़ी अच्छा है। फिंगरप्रिंट स्कैनर लेके काफ़ी लोगों ने कहा कि फिंगरप्रिंट स्कैनर स्लो है, लेकिन मैंने मल्टीपल टाइम्स उसको टेस्ट किया है। हाँ, डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि आपने टच किया और ओपन हो गया, वो नहीं है। ऑलमोस्ट एक सेकेंड के से थोड़ा सा कम टाइम लगता है, लेकिन 10 बार अगर आप करोगे तो 9 बार तो एटलीस्ट ये खोल ही देगा। एक बार हो सकता है कि रिकग्नाइज ना हो, आपको वहाँ पे 2 बार टच करना पड़े, ये होता है। लेकिन बजट रेंज के स्मार्टफोन में इससे भी ख़राब हाल होता है लोगों का। अब चलिए थोड़ा टेक्निकल जो स्पेसिफिकेशन है वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। इसका डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, 6.5 इंच का डिस्प्ले है। तो अगर आप यूट्यूब देखने के लिए ये एक स्मार्टफोन लेना चाहते हो, मतलब बेसिक स्मार्टफोन में जो लोग करते हैं हल्का फुल्का गेम्स, हम लोगों ने गेम्स भी खेला, लाइक हमने सबवे सर्फर खेला, अच्छी तरीके से चल रहा था, हल्का सा कभी कभी लैग लग रहा था लेकिन चल रहा था, प्लेएबल है। उसके साथ अगर आप कैंडी क्रश खेलना चाहो वो भी खेल सकते हो। BGMI ऐसे स्मार्टफोन्स के लिए बना नहीं है। अगर PUBG लाइट रहता तो हम लोग ट्राई कर सकते हैं, लेकिन BGMI अगर हम यहाँ पे खेलेंगे तो आप खेल सकते हो, लेकिन उतना कुछ ज़्यादा परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलेगा इससे। डिस्प्ले भी आपका एक HD+ डिस्प्ले है, डिस्प्ले का साइज अच्छा है, ब्राइटनेस अच्छा है और कलर भी अच्छा रिप्रोड्यूस करता है। उसके साथ एक मल्टीमीडिया अगर आप कंज्यूम करते हो तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो है साउंड। साउंड का क्वालिटी भी ठीक ठाक है और काफ़ी लाउड है, नोट करने वाली बात है, काफ़ी लाउड है। फोन में ग्लास बैक होने के साथ साथ यहाँ पे आपको एक 5000 mAh का बैटरी दिया गया है। वो देने के बाद भी फोन काफी स्लिम है, मतलब ऐसा नहीं है कि मोटा है, भारी है, हाथ में लेने से थोड़ा काफी ज्यादा भारी लग रहा है, वो सीन नहीं है। हाथ में ज्यादा हेवी भी फील नहीं हो रहा है और मोटा भी नहीं लग रहा है। कैमरा में आपको एक 13 MP, एक 2 MP और एक 2 MP का कैमरा मिलेगा, यानी ट्रिपल कैमरा सेटअप, और कैमरा का क्वालिटी काफी अच्छा है। मैंने जो प्राइमरी कैमरा है उससे कुछ फोटोज लिया, सेल्फी कैमरा से मैंने कुछ फोटोज लिया, वो भी काफी अच्छा आया। और वहां पे मैंने एक ऐसा भी फोटो लिया जहां पे मेरे पीछे लाइट है, तो बैकलिट जो कंडीशन है वहां पर भी, लेकिन मेरा फेस है वो क्लियर है और फोकस में है और अच्छा डिटेल्स कैप्चर किया है कैमरा ने। 8 MP का फ्रंट में कैमरा मिलता है। कैमरे के अंदर अगर हम जाते हैं तो आप जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो आप 1080p में ही मैक्सिमम कर सकते हो। उसके साथ फोटोज, पोर्ट्रेट मोड, नाइट मोड और भी काफ़ी सारे मोड्स वहाँ पे अवेलेबल है और कुछ फिल्टर्स भी अवेलेबल है जिसे आप चाहो तो यूज कर सकते हो। चिपसेट की बात करें तो यहाँ पे मीडियाटेक का हीलियो A22 चिपसेट मिलता है, जो एक क्वाड कोर चिप है। ये तो डेफिनेटली नया चिप नहीं है, काफी पुराना चिप है, लेकिन बजट फोन के हिसाब से मैं कहूंगा ठीक ठाक है, आपको ठीक ठाक परफॉर्मेंस से निकाल के दे देगा। डेली वर्क यानी अगर आप फोन, व्हाट्सअप, यूट्यूब और हल्का फुल्का गेम्स अगर आप खेलोगे, थोड़ा ब्राउजिंग करोगे, तो वो आपको ये आराम से करवा के दे देगा। और उसके साथ आपको यहाँ पे 5000 mAh का बैटरी भी मिल रहा है, अच्छा आपको यहाँ पे बैटरी बैकअप भी मिलेगा। जैसे इसका जो चार्जिंग जो ब्रिक है वो 10W का है, तो चार्ज होने में आप 2 से 2.5 घंटा पकड़ के ही चल सकते हो कि फुल चार्ज होने में इतना टाइम तो ले ही लेगा। रैम की बात करें तो यहाँ पे आपको 3GB RAM + 3GB वर्चुअल रैम, यानी जो
स्टोरेज है वहां से 3GB यूज करेगा, तो इस हिसाब से ये 6GB रैम कहा जा रहा है। और उसके साथ आपको 64GB टोटल आपका इंटरनल मेमोरी मिल रहा है, जिसपे 15GB के करीब यूज होगा और आपको अराउंड 49GB आप यहाँ पे यूज कर पाओगे। उसके साथ एंड्रॉइड 12 का आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस दिया जा रहा है और उसके साथ स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस है, यानी कोई भी ब्लोटवेयर अलग से कोई चीजें नहीं है, यूज करने में भी एकदम काफी स्मूथ है। अगर आप एक स्मार्टफोन खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से जाके आप ले सकते हो। 8699 प्राइस रखा गया है और उस प्राइस में एक मेड इन इंडिया स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा बहुत ही नेक्स्ट लेवल लुक्स के साथ। अगर आप मीडिया कंज्यूम करना चाहते हो तो डिस्प्ले भी अच्छा है, साउंड भी अच्छा है, काफी वैल्यू फॉर मनी मैं इसे कह सकता हूं प्राइस को ध्यान में रखते हुए। दैट्स ऑल दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई लव यू, चलो बाय।